Assalamu alaikum students, my name is Hanin Fatma Kirmani and I am your biology teacher. Today we are going to start a topic that is disease control. Before starting this topic, we should know what is a disease. Disease is a disorder of structure or function of our body. There are many kinds of diseases. That can be viral, bacterial, or sometimes cancer. Now, the basic question is, why it is very important to control these kinds of diseases? Hamari body mein ye diseases jab hoti hain, to inko control karna kyun zaruri pad jata hai? Kya aisi wajah hai ki inko control kiya ja sake? तो सबसे बड़ी वजह जो इनके कंट्रोल की है वो ये है कि जब ये डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर अकर होती हैं तो उनकी अकरेंस के बाद हमारी बॉडी का फंक्शन या और स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत सारी अप्रोचेस यूज करें अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ डिजीज। उन अप्रोचेस को यूज करते हुए हम अपनी इन डिजीजेस को कंट्रोल कर सकें। अब ये डिजीज कंट्रोल की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? दीज आर थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोचेस। नंबर वन, प्रिवेंटिव मेजर्स। नंबर टू, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नंबर थ्री, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। सो हम अभी डिस्कस करते हैं अपनी पहली अप्रोच, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स लेना क्यों जरूरी है और कैसी डिजीजेस के लिए लेना जरूरी है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस किस्म की डिजीजेस के लिए हमें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है। इसमें एचआईवी एड्स आ जाती है, हेपेटाइटिस आ जाती है, कोरोना आ जाती है। ये डिजीजेस जो हैं इनके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है। अब इसकी वजह क्या है, क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है? वजह ये आ जाती है कि ये डिजीजेस जो हैं ये इनक्योरेबल हैं। इनका अभी तक कोई भी क्योर दरियाफ्त नहीं हुआ है और क्योर के दरियाफ्त ना होने की वजह से हम इन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनका इलाज करना मुश्किल है। तो इसीलिए जो है हम इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। अब इसके एग्जांपल में अगर देखा जाए तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है एड्स। सबसे पहले एड्स क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट्स का कॉजेटिव एजेंट है एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? इसकी स्प्रेड जो है इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है या इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? तो सबसे बड़ी इसकी प्रिकॉशन ये है कि हम इस डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट ना करने के प्रिकॉशंस क्या क्या हम ले सकते हैं वो ये है कि वी शुड यूज न्यू सिरिंजेस, यानी जब भी हम जो है कोई जब भी हम सिरिंज यूज करने लगें तो हम जो है न्यूली पैक्ड सिरिंज ही यूज करें। बिफोर यूजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वी शुड स्टेरिलाइज देम बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड वी शुड स्क्रीन द ब्लड कि उस ब्लड में कहीं वायरस मौजूद तो नहीं है। ये सब प्रिकॉशंस लेके हम इस डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह की एक और डिजीज जो है दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की वेरियस टाइप्स हैं ए बी सी डी ई। इन बहुत सारी टाइप्स में कुछ टाइप्स जो हैं वो इनक्योरेबल हैं और इनक्योरेबल होने की वजह से इनको भी जो है हम इस हेपेटाइटिस को भी जो है हम प्रिवेंटिव मेजर से ही जो है वो दूर कर सकते हैं, इसका क्योर कोई भी नहीं है। अब सबसे पहले
हेपेटाइटिस स्प्रेड कैसे होता है? हेपेटाइटिस इज आल्सो स्प्रेड बाय यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एंड वी कैन टेक प्रिकॉशंस लाइक हम जो है वो न्यू सिरिंजेस यूज करें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज करके यूज करें, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है हम उसकी स्क्रीनिंग करें. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. अब वैक्सीनेशन कौन कौन सी बीमारियों के लिए हो सकती है? डिजीजेस लाइक पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा, ये सारी जो है इनको हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल वायरल डिजीजेस. तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है वो सारी की सारी वायरल डिजीजेस के लिए जो है हम जो है उसके लिए यूज करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. अब सबसे पहले वैक्सीनेशन की टेक्निक जो थी वो एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाकर जो थी वो सामने रखी थी. उसने जो था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थ्रू काउ पॉक्स पस बनाई थी. तो इसीलिए जो है वर्ड का ओरिजिन वैक्सीनेशन या वैक्सीन जो वर्ड है उसका ओरिजिन जो है वो वैका से हुआ, दैट इज काउ. अब अगर हम वैक्सीनेशन की टेक्निक की तरफ आए तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि वैक्सीन होती क्या है. वैक्सीन आर डेड और सेमी डेड पैथोजेंस. जब ये वैक्सीन जो है हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस होती है तो इसके इंट्रोडक्शन के फौरन बाद ही हमारे ब्लड में एक केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन. ये एंटीजन जो है ये जैसे ही प्रोड्यूस होता है इसके प्रोडक्शन के साथ ही जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ट्रिगर हो जाती है, और ये एंटीबॉडीज जो है फिर उस पैथोजन को किल करती हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ था. अब बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं उनका जो स्टे है हमारे ब्लड में वो लॉन्ग टर्म होता है, मगर कुछ जो वैक्सीन्स हैं उनको हमें उनके शॉट्स बार बार जो है वो देने पड़ते हैं. लाइक पोलियो वैक्सीन, उसके शॉट्स हमें बार बार देने पड़ते हैं क्योंकि वो जो है कुछ अरसे बाद हमारे ब्लड से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारे ब्लड से जो है वो निकल जाती है. नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी. ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी इट इज अ कंबाइंड अप्रोच. इसमें हम बहुत सारी अप्रोचेस जो है वो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी कैंसर के लिए, जीन थेरेपी ऐसी डिजीजेस के लिए जिनको हम रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी या एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं कर सकते या इनका ट्रीटमेंट जो है अभी तक हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम जीन थेरेपी यूज करते हैं. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाइड स्प्रेड डिजीजेस के लिए जिनको हमें जो है कंट्रोल करना होता है. एंड क्लोनिंग, क्लोनिंग इज अ टेक्निक जिससे हम जो है अपनी डिजायर्ड जीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब सबसे पहले अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं. एंटीबायोटिक्स जो है They can be bacteriostatic. Bacteriostatic का मतलब ये है कि ये जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो स्लो कर देती हैं, और bacteriocidal या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं. फिर बहुत दो टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो हैं जो कि जो है एक ही एंटीबायोटिक से जो है हम वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे जो है हमें इन्फेक्शन एक ही एंटीबायोटिक वो हमारी थ्रोट इन्फेक्शन को, हमारी स्टमक इन्फेक्शन को या हमारी यूरोजेनिटल ट्रैक की इन्फेक्शन को क्योर कर सकती है. तो ऐसी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. फिर कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, मीन्स कि एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए जो है एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को ही यूज किया जाता है, उसके अलावा कोई और एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकता. अगर बात की जाए एंटीबायोटिक्स के यूज की, एंटीबायोटिक्स जो है उनको जो है उनकी डोजेज और
जितने दिनों के लिए यूज करना होता है उतने दिनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। अगर ओवरडोज कर दे या ज्यादा जो है एंटीबायोटिक्स का यूज कर दे तो जो हमारे जो बैक्टीरिया है वो जो है वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से फिर जो है हमें एंटीबायोटिक की स्ट्रेंथ और एंटीबायोटिक की डोज जो है वो ज्यादा करनी पड़ती है ताकि उस बैक्टीरिया को किल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी इज यूज फॉर कैंसर, कैंसर के पेशेंट्स के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी में कैंसर पार्ट जो है उसको एक्सपोज किया जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ जो है बिलो 300 नैनोमीटर होती है, ये कैंसर पार्ट को जो है उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं या कैंसर पार्ट को टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो टोटली क्योर हो जाता है। जो पाकिस्तान में यूज होती है टेक्निक दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मींस कि हम जो है एंटी कैंसर केमिकल्स जो है वो पेशेंट्स को एट रेगुलर इंटरवल्स देते हैं, और ये एंटी कैंसर केमिकल्स जो है वो कैंसर पार्ट को या कैंसर सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मगर कीमोथेरेपी का एक ड्रॉबैक ये है कि कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स के साथ साथ बाज़ ऑफ़ नॉर्मल सेल्स लाइक हेयर फॉलिकल सेल्स, स्किन सेल्स, वो भी जो हैं वो अंडर अटैक आ जाते हैं, और इनके अंडर अटैक आने की वजह से स्किन डार्कनिंग और हेयर फॉलिंग की जो है वो शिकायत उन पेशेंट्स को होना शुरू हो जाती है। जीन थेरेपी जो है इट इज़ अ वेरी न्यू टेक्निक, डेवलपिंग टेक्निक है, इस पर अभी काम हो रहा है। अब जीन थेरेपी हम किन टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए यूज करते हैं? जीन थेरेपी इज यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसी डिजीजेस जो कि जेनेटिक लेवल पे मौजूद हों, जिनका क्योर जो है वो आम मेडिसिन से नहीं हो सकता क्योंकि वो जीन में मौजूद है पेशेंट की, उनके क्योर के लिए जो है हम जीन थेरेपी का यूज। अब जीन थेरेपी की टेक्निक में होता क्या है, हम जो डिजीज जीन है उसको कट करके आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद बोन मैरो सेल से हेल्दी नॉर्मल जीन्स लेकर हम जो है उस होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं बाय रेट्रोवायरसेस, और जब ये हेल्दी जीन जो है वो होस्ट में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद जो है जो डिजीज है वो क्योर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है? इससे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि टर्म इंटीग्रेट का मतलब क्या है। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि हम मुख्तलिफ अप्रोचेस को लाकर एक फोरम पे जमा करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सकें। हमारे टॉपिक के लिहाज से वो चीज़ क्या है, इट इज़ डिजीज मैनेजमेंट। अब मुख्तलिफ फोरम्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो ज़रूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि जिस डिज़ीज़ को हमने मैनेज करना है वो वाइड स्प्रेड है। ऐसी डिजीज़ जो कि पेंडेमिक होती हैं या एंडेमिक होती हैं, मींस कि जो कि वाइड स्प्रेड फैली हुई है, या ऐसी वबा जो कि कंट्री में या किसी एक रीजन में फैली हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें हम डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस को भी इन्वॉल्व करते हैं, हम जो है अपनी डिफरेंट अप्रोचेस को भी इन्वॉल्व करते हैं, हम ऐसे पर्सनल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं जो कि उस डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं, लाइक मेडिकल पर्सनल्स, डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है जो कि उस डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं। इसको आपको समझाने के लिए, इसके लिए मैं आपको एक जो है वो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, कोरोना इज अ पेंडेमिक डिजीज, इट इज अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड डिजीज। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? हम अपने मीडिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट कोरोना। उसके बाद हमारी जो है
वो डिफरेंट जो हैं वो लोग भी जो हैं वो इसकी अवेयरनेस में शामिल हैं। अवेयरनेस किस तरीके से है कि हम अवेयरनेस फैलाने के लिए हम डिफरेंट एड्स बना रहे हैं, पेड कंटेंट्स बना रहे हैं जो कि कोरोना की अवेयरनेस फैला रहे हैं और कोरोना से बचने का तरीका बता रहे हैं। फिर हमारे जो है वो डिफरेंट सेलुलर डिवाइसेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस भी आते हैं। फिर हम जब किसी को कॉल करते हैं तो उस रिंग की जगह भी जो है वो मैसेज चलता है जो कि हमें ये बताता है कि हम कोरोना को किस तरीके से कमबैक कर सकते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं जिसमें डिफरेंट फोरम्स इन्वॉल्व हैं एक ही प्रोग्राम में कि हमने एक डिजीज को कंट्रोल करना है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल एनी डेंजरस डिजीज, फॉर एग्जांपल कोरोना। नेक्स्ट इज क्लोनिंग टेक्निक, नहीं कहूंगी, इट इज अ फॉर टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। यूजेनिक एम्स मींस कि हम अपने डिजायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पाने के लिए हम क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग के थ्रू हम क्लोन्स तैयार करते हैं। अब क्लोन जो है वो कोई सेल भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, या उससे एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है जिसमें जो है हमारी डिजायर्ड जीन्स मौजूद हों। अब जितने भी क्लोन्स हम प्रोड्यूस करते हैं दे आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल, और वो तब तक जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं जब तक उनमें कोई म्यूटेशन ना कर हो जाए, उनके जीन्स जो हैं वो किसी म्यूटेशन से ऑल्टर ना हो जाए, तब तक जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं। अब क्लोनिंग में जो था सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल वो शीप था, डॉली। इट वॉज क्लोन्ड इन 1997 इन स्कॉटलैंड। इसके बाद से मेमिलियन क्लोन्स जो थे वो बनना शुरू हो गए, मेमिलियन डिफरेंट मेमिलियन स्पीशीज के क्लोन्स बनना शुरू हो गए, लाइक माइस, काउस, शीप, डियर, हॉर्सेस, इन सब के जो थे वो क्लोन तैयार होना शुरू हो गए। अब क्लोनिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हम किस तरीके से क्लोनिंग कर सकते हैं, इसमें सबसे पहली टेक्निक जो है इसमें हम न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं। न्यूक्लियस को रिमूव करके इसमें से फर्टिलाइज्ड एग को अलग किया जाता है। फर्टिलाइज्ड एग को अलग करके उसके अंदर हम अपनी डिजायर्ड कॉपी ऑफ जीन जो है इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद उस एग को जो है सूटेबल वूम में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन इन सूटेबल वूम दैट एग इज ऑल्टर्ड इंटू जायगोट, और जायगोट जो है फिर अपनी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस उस सूटेबल वूम के अंदर जो है कंप्लीट करता है। आफ्टर कंप्लीशन वी गेट अ न्यू आइडेंटिकल क्लोन ऑफ दैट इंडिविजुअल जिससे हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया था, और उस क्लोन के अंदर हमारी डिजायर्ड जीन्स की कॉपी जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक नंबर टू, हम सिंगल एग लेते हैं या वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज लेते हैं। उन एम्ब्रियोज से न्यूक्लियस को अलग किया जाता है और उस न्यूक्लियस को जो है फिर हम यूज करते हैं। मगर जो हमने सिंगल एग लेना है और एम्ब्रियोज लेने हैं उसके लिए शर्त ये है कि वो डिवाइडिंग स्टेज में हो, मींस कि जब वो डिवाइड हो रहे हो उस टाइम पे हम उस एग को अलग करें या उस एम्ब्रियो को अलग करें। अगर उस टाइम पे अलग नहीं किया जाता तो हमारे पास डिजायर्ड कॉपीज जो बनानी है वो नहीं बन पाती। जब हम उनको अलग कर लेते हैं, उनको अलग करने के बाद उनके अंदर जो है हम अपने डिजायर्ड जीन्स डाल देते हैं। ये वही टेक्निक है जिससे आइडेंटिकल ट्विन्स की फॉर्मेशन होती है। इससे जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज उसके अंदर हमने जो है वही जीन्स रखी हैं जो पेरेंट्स के अंदर होती हैं। दैट्स वाई हमारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं उन पेरेंट्स के जो कि हमने लिए थे। अब ये जो क्लोनिंग की टेक्निक है इससे हम आइडेंटिकल कैटल्स भी बना सकते हैं, फार्म एनिमल्स की भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कमर्शियल एप्लीकेशन जो है इसकी वो ये है कि हम पेडिग्री ऑफ हॉर्सेस जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, मींस के रेस हॉर्सेस जिस तरह के होते हैं उनकी पेडिग्रीज जो हैं वो कमर्शियली जो हैं इस टेक्निक से तैयार हो रही हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज पोल्यूशन।
एंड हाउ पोल्यूशन इज कॉज्ड. तो सबसे पहले पोल्यूशन इज कॉज्ड थ्रू पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूटेंट्स आर एनी हार्मफुल केमिकल और एनी हार्मफुल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स डिस्टर्ब्स आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट. एंड पोल्यूटेंट कॉजेस पोल्यूशन. अब पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो इंडस्ट्रीज हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफिलेंट्स जो कि सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में हम अपनी एनवायरनमेंट के अंदर डंप कर रहे हैं वो उनको जो है हम कहते हैं कि दीज आर पोल्यूटेंट्स. और इसमें सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जो है वो है हैवी मेटल्स. हैवी मेटल्स में लेड ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है, क्रोमियम टैनरी से रिलीज होता है. अब ये जो है लेड क्रोमियम आर्सेनिक ये हैवी मेटल्स ये हमारे लैंड को हमारे वाटर्स को तो पोल्यूट कर ही रहे हैं. और इनकी पोल्यूशन की वजह से हमारे लैंड्स में और हमारे वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो है वो पॉइजनिंग हो रही है जिसकी वजह से उनकी डेथ कॉज हो रही है. इसके साथ साथ ये हैवी मेटल्स जो हैं ये ह्यूमन हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं. ह्यूमन हेल्थ की डिस्टर्बिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं और हमारे सेल्स में सेलुलर लेवल तक जाते हैं तो सेलुलर लेवल पे जाकर ये उन सेल्स के अंदर जो है वो कैंसर ट्रिगर कर देते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स जो हैं अब बढ़ते जा रहे हैं. इसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है अलार्मिंग रेट पे. एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम भी हो रहा है. अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम का एक मेन मेजर कॉज है दैट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पड़ रहा है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन में जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज हो रही हैं. इन हार्मफुल गैसेस की रिलीज की वजह से जो है हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है. और इन ये हार्मफुल गैसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है. बहुत सारी कंट्रीज में एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि उधर जो है वो डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं. अब इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की तरफ आते हैं. किस तरीके से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज होती है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से जो है वो ग्रीन इकोसिस्टम्स जो हैं वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं. डेजर्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है और डेजर्ट्स की फॉर्मेशन की वजह से जो है हमारे बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं. अब जिस तरीके से अभी हमने बात की कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय तो करें हमारे इकोसिस्टम को, मगर इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह जो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होने के करीब तरीन पहुँच रही है, जिसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. अब इसकी वजह क्या है? फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा हैबिटेट होता है ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो कि जो हैं दूसरी किसी एनवायरनमेंट में नहीं रहते, वो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो अपनी हैबिटेट ढूंढ. अब जब फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है और फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन हो रहे हैं तो उसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है और उस हैबिटेट लॉस की वजह से जो है बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के करीब पहुँच रही है. अब इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है? इनको बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो हैं वो जूस की फॉर्मेशन करें, जूस जो हैं उनको बनाएं. जूस जब बनेंगे तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर सकेंगे जहां पर वो ब्रीड कर सकें. ऐसे एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन लेवल जो है वो बहुत लो हो चुका है और उनके पास ब्रीडिंग स्पेस नहीं है तो उनको जो है हम ब्रीडिंग हैबिटेट देंगे जहां पर वो ब्रीड कर सकें. फिर प्लांट्स के लिए हम बोटैनिकल गार्डन्स की फॉर्मेशन करें. बोटैनिकल गार्डन्स जब फॉर्म होंगे तो बोटैनिकल गार्डन्स में हम
आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे सकेंगे ऐसे प्लांट्स को जो कि जो है आम दूसरी एनवायरनमेंट में अब ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुका है, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रही जो उनके हैबिटेट में मिल रही थी, वो हम बोटैनिकल गार्डन्स में दे सकें ताकि जो है वो प्लांट्स ग्रो कर सकें। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हम फिशरीज फॉर्म करें, फिशरीज में हम मेरीन एंड फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऐसे एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर सकें ताकि वहाँ पर वो ब्रीड कर सकें। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको हम एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए जो है वो जूज, बोटैनिकल गार्डन्स और फिशरीज की जो है वो फॉर्मेशन करें ताकि जो है हम अपनी जो है इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव कर सकें। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन इज रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें एलजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है, बिकॉज एलजी जो है वो हैवी मेटल्स जिसमें अभी मैंने आपको बताया था लेड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, उसको बायो एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो ख़त्म करती है। एलजी जो है ऐसे मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये मटेरियल्स जो है वो पानी में फिर नहीं रहते और हमें जो है क्लीन वाटर या रिड्यूस्ड लेवल ऑफ हैवी मेटल्स जो है वो मिलता है। अब अगर हम रिकैप करें अपने पूरे इस लेक्चर को, तो इसमें हमने अप्रोचेज ऑफ डिजीज कंट्रोल पढ़ा, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं, जिस तरह हम किस तरीके से एचआईवी एड्स एंड हेपेटाइटिस को ख़त्म कर सकते हैं। वैक्सीनेशन आती है जिसमें हमने बहुत सारी डिजीज़ पढ़ी, जिस तरह वूपिंग कफ होगी, मीजल्स हो गए, पोलियो हो गया, मम्प्स हो गए, उसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट में हमने बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स पढ़ी, जिसमें एंटीबायोटिक्स आ गई, कीमोथेरेपी आ गई, रेडियोथेरेपी आ गई, हमने डिफरेंट जो है वो जीन थेरेपी की एक टेक्निक पढ़ी जिसमें जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस लाइक थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसको क्योर कर सकते हैं। एंड लास्टली हमने अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट पढ़ी कि किस तरीके से हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।